नितेश सर जी। सेकंड बुक है सर। हाँ नितेश जैन जी सर नमस्ते सर। नमस्ते। नितेश पॉलिटिक्स से किया फिर एमए किया इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मुझे आप बताएंगे, पहला जी सवाल सर मेरा जैन से ही लेते हैं आपसे जी पहला सवाल। पहले भी जैन पे ही पूछा था मैंने, या मुझे याद आ रहा है। जैन शब्द कहां से आया? जैन शब्द का क्या अर्थ सर होता जैन है? शब्द की उत्पत्ति जी सर जैन शब्द की उत्पत्ति होती है सर जिन से हुई है, जिसका अर्थ है जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों को और अपने मन को अपने बस में कर लिया है या जीत लिया है तो उसको जैन आ गया। कुल 12 आगम होते हैं, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में है और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि 32 आगमों तक, 32 आगमों को हम तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया गया। वो किसने किया था? आज के न्यूज़पेपर में है, बत्तीस सॉरी सर को हम तक पहुंचाया, आज हम बहुत बड़ा काम किया था। कौन थे वो? आज के अखबार में भी है जी जी सर। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, भगवान महावीर का था जिन्होंने जियो जियो और जीने दो का संदेश दिया था सर, उस संदर्भ में ही कहा गया है। मैं तो 32 आगम की बात कर रहा हूँ। 32 आगम को हमारे, सॉरी आगम सर क्या है मालूम है आपको? आगम क्या होते हैं? जी सर आगम है सर, जैन जैन साहित्य को सर आगम कहा गया है। सारे जैन साहित्य को या सर सर सारे जैन? प्राचीन जो साहित्य है सर उनको भी जी सर। चलिए आप ये मुझे बताएं कि ये जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के का जो संवर्ग बना, इसके सर्विस रूल्स, सेवा शर्तें, इनकी ये कब बनाए गए? जी सर सर आरएस का जो सेवा का है सर, जो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी सर, और इसमें सर लगभग 814 या के लगभग सर आरएस का कैडर है सर। नहीं, मैंने जो पूछा है कि इसकी सेवा शर्तें कब बनी, सेवा शर्तें सर्विस कंडीशंस को कब लेडम किया गया? जी सर इस चलिए आरएस बारे में संवर्ग पूर्ण की, जानी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग, इसकी नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? सर सॉरी सर इस बारे में ज्ञान नहीं। चलिए आपने तो साइंस पढ़ी है और पंखा अपन खूब प्रयोग में लेते हैं, ये पंखा कौन से वर्ष में आविष्कृत हुआ और किसने किया? सॉरी सर इस बारे में सर आईडिया। इलेक्ट्रिक फैन, आपने साइंस पढ़ी है इसलिए ये तो कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं। चलिए कोई बात नहीं, सर, आप मैं मुझे अध्ययन बताइए करूंगा कि ये जो घड़ी हम देखते हैं, मैकेनिकल घड़ी, घड़ी का आविष्कार किसने किया? सॉरी सर इस बारे में ज्ञान। एक और साइंस का सवाल, ये जी ग्लास कांच, ये सबसे पहले कब बना? सॉरी सर इस बारे में ज्ञान नहीं है सर, अध्ययन करूंगा सर। कब करोगे? आपका इंटरव्यू तो आ गया भाई, हालांकि जरूरी नहीं कि ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आप बार बार सॉरी कैसे बोल सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं जी सर कि लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन नेता थे? लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जी सर। सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, श्री मदन मोहन मालवीय जी। जहां तक आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ये गलत रिकॉल कर रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, पंडित नेहरू ने सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई, इंटीरियम गवर्नमेंट, पढ़ा है ना? जी सर पढ़ा है। अंतरिम सरकार बनाई थी ना आजादी के पहले? जी सर। उसमें कितने मंत्री रखे गए थे? कितने मंत्री थे उसमें? जी सर उसमें जी सर उसमें 15 मंत्री थे। दूसरा मौका है ना आपका जी सर, अंदाज से बता रहे हैं, आपको याद है? नहीं सर, अंदाज से बताया था हमने। नहीं सर याद है सर, मैंने पढ़ा था सर। थोड़ा बहुत ज्यादा बता दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं।
मुझे ये बताइए कि भारतीय ग्लैडस्टोन उदारवादी कांग्रेस के किस नेता को कहा गया भारत का ग्लैडस्टोन? सॉरी सर, ग्लैडस्टोन कौन था इधर पहले बताओ। सॉरी सर, ग्लैडस्टोन कौन था? तो फिर भारत का ग्लैडस्टोन की उपाधि किसको दी कैसे मालूम होगा? अच्छा, एक रियासती विभाग अपने यहाँ बनाया गया था, रियासती विभाग है ना आजादी के बाद, जी सर। उसके सचिव कौन थे? तो सिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने राजस्थान के सचिव कौन थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में भी महती भूमिका निभाई थी? रियासती विभाग के सचिव, सॉरी सर। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? जी सर, राज्य पुनर्गठन जी सर 1953 में इसका गठन किया गया था, और इन्होंने जो अनुशंसा दी थी सर 1 नवंबर 1956 को इन्होंने अनुशंसा दी थी, जिसके अध्यक्ष सर फजल अली थे और इसके सदस्य हरदेनाथ कुंजरू और वी विश्वनाथन थे। चलिए बढ़िया। स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था भारत में? क्षेत्रफल की दृष्टि से था? सर आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से आजादी के समय सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? जी सर सॉरी सर, इस बारे में सर पूर्ण जानकारी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अपन। जैन कल्प सूत्र किसने लिखे थे? सर श्री वशिष्ठ वर्मन गुरुदेव ने सर। तूलभद्र और भद्रबाहु कौन थे? सर स्थूलभद्र और भद्रबाहु सर जिन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों की स्थापना की थी सर, जैन मुनि थे सर। तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत में अकाल पड़ने के कारण उस टाइम कुछ मुनि वहां से चले गए थे सर, तो स्थूलभद्र मुनि ने जिन धर्म का किया वो श्वेतांबर दिगंबर कहलाए सर, और भद्रबाहु मुनिराज ने जिस ग्रंथ को आगे चलाया सर वो दिगंबर जैन कहलाए। इन दोनों में से किसी ने कल्पसूत्र लिखे थे? जी सर, सर स्थूलभद्र जी ने। नहीं, आपको ध्यान नहीं है, ये भी पढ़ना जरूरी है। चलो एक भारत के आधुनिक महात्मा के बारे में पूछते हैं, महात्मा गांधी, इनको महात्मा सबसे पहले किसने कहा? जी सर, सर महात्मा की उपाधि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। पक्का मालूम है आपको? जी सर। चलिए, ये अफ्रीका क्यों गए थे, दक्षिण अफ्रीका? जी सर ये मुकदमा लड़ने गए थे सर वहां पे, अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए सर अफ्रीका गए थे सर। जी सर अब्दुल्ला भाई। कौन थे अब्दुल्ला भाई, कौन थे ये? सर ये तो पता नहीं सर, सॉरी सर। चलिए धन्यवाद राजेश जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नितेश जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, आपकी हॉबी है सुडोकू खेलना? जी सर। ये बताइए सुडोकू किस भाषा का शब्द है? सर सुडोकू जापानी भाषा का शब्द है। अच्छा, क्या अर्थ होता है इसका? सर नंबर खेलना सर, प्लेइंग नंबर सर, नंबरों के साथ खेलना। या सिंगल नंबर? जी सर। सिंगल जी नंबर सर, सूखा जी जी सर जी सर, सूखा अर्थ जो होता है वो सिंगल होता है, और डोकू का अर्थ होता है जो सर नंबर होता है सर। अच्छा, कब शुरू हुआ था ये खेल? जी सर, सर 1979 में हॉवर्ड गंस ने सर इसका आविष्कार किया था, पजल का आविष्कार शुरुआती तौर पे सर, और फिर सर इसका जो व्रत रूप था सर वो 1984 में सर जापान में स्टार्ट किया गया था। अच्छा,
ये बताइए, अभी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं वो सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों कर रहे हैं? जी सर, शुरुआती तौर पे ये देखा गया था कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन सर अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो सभी किसान सम्मिलित हैं। और सर जो इसके पीछे पंजाब के किसानों का जो मुख्य कारण है सर, सर एक तो वहाँ पे सर जो मंडियों की संख्या है सर वो लगभग 1860 के लगभग है सर, और वहां से जो राज्य सरकार को भी मंडी टैक्स मिलता है वो सर। और सर जो पंजाब के किसान है सर वो लगभग 85% किसानों को सर MSP मिलता है सर, वो MSP के थ्रू अपनी फसल बेचते हैं सर। तो उनको कहीं ना कहीं आशंका है कि MSP खत्म होने से उनका रोजी रोटी का संकट हो जाएगा सर। नहीं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उन्होंने किसानों का धन्यवाद किया है, वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। राजस्थान के किसान शामिल नहीं हो रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, वहां के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी सर, जो वहाँ के जो किसानों की जो मुख्य समस्या है सर वो यही है, क्योंकि लगभग वहाँ के 85% किसानों को MSP मिलता है सर, MSP के थ्रू अपनी फसल को बेचते हैं सर। सर जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी सर उसके अनुसार ये था कि ओनली ऑन 6% किसानों को MSP का लाभ मिल पाता है सर पूरे देश में सर। तो कहीं ना कहीं MSP और जगह इतनी प्रभावित नहीं कर पा रही है जहाँ तक पंजाब के किसानों को MSP प्रभावित कर पाई। अच्छा, एक और कारण पढ़ने में आ रहा है कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगला रहा है, कितनी सत्यता है इसमें? जी सर, ये तो पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष पूर्ण रूप से बरगला रहा है, क्योंकि सर जो अभी विरोध देखा जा रहा है दिल्ली सीमा पर सर, तो वो पूर्ण रूप से किसान संगठनों का है, और जो भी जो किसान संगठन है वही अपना विरोध कर रहे हैं और वही अपनी मांग रखने के लिए आगे आ रहे हैं सर। अच्छा, ये कहाँ पर इन्होंने जाम कर रखा है, अभी कोई एरिया विशेष है क्या? जी सर, सिंध बॉर्डर पे इन्होंने जाम कर रखा है सर अभी वर्तमान। अच्छा, और उनको बैठक के लिए एक जगह बुलाने की अभी बात हुई थी। जी सर, सर जहाँ कौन सा स्थान? जी सर, बारोली नामक स्थान है सर, ऐसे कुछ एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर वो वर्ड। कोई बात नहीं। ये बताइए, ये गुरु पर्व क्या है? जी सर, सर गुरु गोविंद देव जी की जयंती पर सर ये उत्सव मनाया जाता है सर प्रकाश पर्व के रूप में सर। 551वीं जैन जयंती पे है सर आज, तो इस उपलक्ष में सर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर ननकाना साहेब सर, पंजाब। ननकाना साहेब या तलवंडी में? जी सर, सॉरी सर, तलवंडी सर, तलवंडी पाकिस्तान में सर इनका जन्म। अच्छा, तो ये रेल गलियारा क्या है? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ बताएं? जी सर, MS स्वामीनाथन जो थे सर वो कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और सर वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर MSP से MSP के रिगार्डिंग सर 2006-07 में अपनी अनुशंसा दी थी, जिसमें सर MSP को कृषि लागत का 1.5 गुना किया जाना चाहिए सर। अच्छा, वर्तमान में किसी पद पर हैं क्या? सर सॉरी सर, अभी वर्तमान का पता नहीं। बताइए, भारतीय संस्कृति में जो मास्क है उसका प्रचलन कितना पुराना माना जाता है? जी सर, सर भारतीय संस्कृति में मास्क का प्रचलन सर शुरुआती तौर से ही देखा जा रहा है, जैसे सर जैन धर्म में भी जो दिगंबर और श्वेतांबर जो मुनि है सर वो मास्क का यूज करते हैं, कपड़े का यूज करके मुंह पे लगाते हैं सर, जैसे आचार्य महाश्रमण थे, देवादिदेव श्रमण जी थे, उन्होंने भी प्रयोग किया था सर मास्क का। तो ये सर जहां तक संभव पा रहा सर ये शुरू से चला आ रहा है। अच्छा, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया था? सिर्फ जो जैन मुनि थे उन्होंने ही पालन क्यों किया इसका? बाकी जो लोग होते हैं समाज के, उन्होंने इसका पालन क्यों नहीं किया?
जी सर, ये देखा जा रहा है कि सर कुछ हद तक इसका पालन किया जा रहा था सर, धीरे धीरे कई लोग जैसे बाइक पे चलते समय रुमाल का यूज करते थे सर, लेकिन धीरे धीरे यूज किया जा रहा था, लेकिन जब तक सर किसी दुर्घटना से या फिर किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हुए तब तक सर एक बड़ी आबादी से प्रभावित नहीं हुई तब तक सर यूज में नहीं लिया जा रहा था। तो सर अभी वर्तमान में सर इसका यूज ज्यादा बढ़ रहा है। संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है, फिर जो जैन संत थे उन्होंने समाज को क्यों नहीं इसके लिए निर्देशित किया? अच्छी बात है मास्क लगाना। जी सर उन्होंने निर्देशित किया था, और कुछ हद तक जो जैन समाज था या फिर उनके जो आसपास के लोग थे जो शरण थे उन्होंने यूज भी किया था, और सर समाज में सर धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा था। चलिए, ये फिक्की क्या है, फिक्की का फुल फॉर्म बता पाएंगे आप? जी सर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चेंबर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन सर, सॉरी सर अभी सर, लेकिन सर उद्योग 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 जगत की सर एक निजी संस्था है सर। कब स्थापना हुई थी इसकी? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, ये विकास का गुजरात मॉडल क्या है? जी सर, जब शुरुआती तौर पे जब गुजरात में जब 2000 से लेके 2010-12 तक वहां का जो विकास हुआ उसको वृद्धि स्तर पर लाने के लिए गुजरात मॉडल का नाम दिया गया, जहां पे संसाधनों की उपयुक्तता और आर्थिक जो ढांचा था सर, राज्य का जो आर्थिक ढांचा था उसका विकास को प्राथमिकता दी गई, जिससे लोगों का विकास हुआ और एक ऐसा साइकिल चल पड़ा जिससे लोगों की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी होने से जो राज्य का विकास भी हुआ वो भी वृद्धि स्तर पर हुआ, तो सर इसको एक विकास मॉडल का नाम दिया गया। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, भारत अगर चीन को आर्थिक क्षेत्र में पीछे छोड़ना चाहे तो क्या प्रयास करने होंगे हमें? जी सर, सर इसके लिए दो दो स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं सर, एक तो सर माइक्रो लेवल पर, एक वृद्ध लेवल पर सर। तो सर इसके लिए सबसे पहले तो सर जो राज्य का या आधारभूत ढांचा सर उनका विकास किया जाना चाहिए जिससे सर निवेश आकर्षित हो, और सर दूसरा सर राज्यों के लिए जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये निकाला गया है, तो जिससे राज्य कॉम्पिटिटिव स्तर पे आएंगे तो सर इससे राज्यों में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनेगा जिससे राज्य स्वयं का विकास कर पाएंगे और वो देश के लिए अच्छी छवि प्रदर्शित कर पाएंगे जिससे विदेश भी आकर्षित होगा। और सर दूसरा जो सर चीन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है सर ग्लोबल सप्लाई चेन का सर, वो एक बहुत अहम हिस्सा है सर, जहाँ से वो पार्ट बनाए या ना बनाए लेकिन सर फाइनली जो प्रोडक्शन बनता है या फिर जो उसके पार्ट आते हैं सर वो बनते हैं। तो सर यदि भारत इसमें योगदान देना चाहे तो सर एक ग्लोबली लेवल पर सर वैश्विक चेन लाइन का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जिसके लिए सर वर्तमान में जो PIL स्कीम स्टार्ट की गई उत्पादन आधारित स्कीम सर जो एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। उत्पादों का सस्ता होना ये प्रभावित नहीं करता है क्या भारतीय बाजार को? चीनी उत्पाद बहुत सस्ते होते हैं तो हमें क्या कीमत घटानी चाहिए उत्पादों की? जी सर ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सर वो वहाँ जो वो प्रोडक्शन जहाँ से उनका प्रोडक्शन हो रहा है जिन उत्पादनों का प्रोडक्शन हो रहा है तो भारत भी जो उनके पीछे के जो जहाँ से वो मटेरियल बने हैं सर उनका उत्पादन भी कर सकता है और सर आयात भी कर सकता है, तो सर भारत के उत्पाद भी उतने सस्ते हो जाएंगे सर। ठीक है, धन्यवाद जी ललित सर। हाँ मुकेश जी, नमस्ते सर। नमस्ते नितेश जी, क्या डेट आई है आपके इंटरव्यू की? जी सर 24 दिसंबर। 24 है, ओके ओके। तो अच्छा ये बताएं कि IQ और EQ क्या होता है?
जी सर, सर आईक्यू बुद्धि लब्धता होती है सर, और ईक्यू जो होता है सर इमोशनल क्वेश्चन होता है सर। तो ईक्यू के अंदर सर आईक्यू का ये वृद्ध रूप है, जिसके अंदर सर वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सर डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करता है, जिसमें सर सर स्व जागृति, स्व नियमन, कैसे खुद को कंट्रोल करना है और सर उनके अनुसार कार्य करता है सर। और आईक्यू में सर कि उसका बुद्धि का क्या स्तर है सर, जो केवल भावनात्मक बुद्धि अपॉन वर्तमान आयु इनटू 100 से कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला बता सकते हैं आईक्यू किस तरह से निकाला जाता है? जी सर भावना, जी सर आईक्यू का सर बुद्धि अपॉन वर्तमान आयु इनटू 100 सर। किसने दिया था ये सर? सॉरी सर। ओके, आप अपने उसका अगर आकलन करें तो उसमें ईक्यू अधिक है या आईक्यू अधिक है? सर जहां तक मैंने स्वयं ने एनालिसिस किया और सर तो मुझे सर ईक्यू ज्यादा लगा सर। ओके, किस प्रकार किया, आपको कैसे लगा कि आप में ईक्यू ज्यादा है? जी सर, मैं जहाँ तक मैंने अनुभव किया सर, तो मैं जो भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार स्वयं को भी नियमित करता हूँ सर, और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखता हूँ सर, जिससे सर सामाजिक कौशल भी विकसित हुआ सर। ऐसा निर्णय लिया आपने पहले? जी सर। अब जी सर किसी भी परिस्थिति में निर्णय लिया, जैसे कि सर कॉलेज स्तर पर क्या डिसीजन लेना है, आगे की क्या रणनीति बनानी है। इस घटना में मैंने ये निर्णय लिया। जी सर, जिस प्रकार सर सिविल सेवा में जाने का जो डिसीजन था सर, वो मेरा स्वयं का डिसीजन था, तो सर वो भी एक प्रकार का निर्णय था सर। मैंने खुद को, खुद के अंदर की क्षमता को। तो सिविल सेना में जाने का, सेवा में जाने का जो निर्णय है, वो आपको लगता है कि ईक्यू का उदाहरण है? जी सर, सर जहां तक मैं मानता हूँ सर, क्योंकि सर उसके लिए सर सबसे पहले सर स्वयं की क्षमताओं को जानना सर जरूरी रहता है सर, कि अपन स्वयं में क्या क्या क्षमताएं हैं सर, और अपन आगे परिस्थिति के अनुसार और घर वालों की परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं सर, तो उस हिसाब से। ओके, अच्छा आपने प्लेटो पढ़ा है? प्लेटो, जी सर बताएं तो प्लेटो ने कितने सद्गुण बताए? जी सर, प्लेटो के अनुसार सद्गुण चार प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? जी सर, सर न्याय, विवेक, साहस और संयम सर, और इसमें जो सर्वोच्च सद्गुण है सर, वो उन्होंने न्याय को माना है सर। सद्गुण शब्द क्या होता है, खुद क्या है सद्गुण? सद्गुण जी सर, सर जी सर सद्गुण होते हैं सर जो नैतिक आदर्श होते हैं, या फिर ऐसे गुण होते हैं जो मानव के व्यवहार में या आचरण में प्रदर्शित होते हैं और मानव की उन्नति व विकास के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अभी हाल ही में आप जो वर्तमान घटनाक्रम है उसमें हम देखते हैं कि अनेक राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधित विवाद हो रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या विवाद है? जी सर, सर अनेक राज्यों में राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य विवाद होते जा रहे हैं सर, जैसे कि सर राजस्थान में राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए विवाद हो गया था सर, वो था, और सर जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों में जो विवाद का जो मुख्य कारण है सर, वो है कि जो भी, जी सर एक तो सर राजस्थान में हुआ था सर विधानसभा सत्र को लेकर सर, और सर अभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य विवाद है, जिसमें सर उनका जो आरोप है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी है जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं या फिर सही तरीके से वहां पे रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो अप नहीं किया जा रहा है सर। अगर हम राज्यपाल और राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप किसको ज्यादा सशक्त पाते हैं? जी सर, सर सशक्ति के सर यदि स्तर पर देखा जाए तो सर यदि राज्यपाल राज्य के स्तर पर सशक्त है और राष्ट्रपति सर केंद्र स्तर पर सशक्त है सर, दोनों अपनी अपनी जगह पर सशक्त है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों की दोनों दो यूनिट मान ली जाए कि एक देश के स्तर पर वो है, एक राज्य के स्तर पर ही है, और दोनों की शक्तियां सिमिलर है, उसके बावजूद भी एक को ज्यादा शक्तियां हैं, वो ज्यादा शक्तियों वाला व्यक्ति कौन है, राज्यपाल है या राष्ट्रपति है? जी सर मैं सर यदि दोनों के मध्य कंपेरिजन किया जाए तो राज्यपाल को सर तुलनात्मक रूप से सर राष्ट्रपति। कौन सी ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल को तो है पर राष्ट्रपति को नहीं?
जी सर, सर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की जो अनुशंसा की जाती है सर, वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ओके, आप कहाँ के हो नितेश जी? जी सर, टोंक जिले के अंदर मालपुरा तहसील है सर। अच्छा, मालपुरा है। ये मालपुरा और माल रोड और ये जगह जगह जो वर्णन आता है, क्या है, माल शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? जी सर, सर मालपुरा का जो निर्माण हुआ था सर, राजा मालदेव परिवार की, राजा मालदेव परिवार ने इसका निर्माण किया था सर, तो इसलिए इसका नाम मालपुरा पड़ा। ओके, अच्छा, एक ऐसी रथ यात्रा है, धार्मिक रथ यात्रा है, जिसमें रथ को SDM या उपखंड अधिकारी उस रथ को खींचते हैं। जी सर, सर एग्जैक्टली रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन सर नागौर साइड में सर ऐसा होता है सर, जहां तक मुझे याद है सर। मैं हिंट कर रहा हूँ आपको, करौली की तरफ है। सॉरी सर, अगला हिंट कर रहा हूँ, वो जैन धर्म से संबंधित है। जी सर, श्री 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 महावीर जी के मंदिर में सर, श्री महावीर जी मंदिर करौली। कहाँ पे? श्री महावीर जी सर, स्थान का नाम भी श्री महावीर जी है सर, और मंदिर का नाम भी श्री महावीर जी मंदिर है। कौन सी नदी है? नदी के किनारे है। सॉरी सर, नदी का क्या? अच्छा, एक लंगूरिया मेला, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ये क्या होते हैं लंगूरिया गीत? जी सर, सर जो केला देवी जो लोक देवी है सर, उनकी जो उनके जो भक्त हैं उनको लंगूरिया कहा जाता है, और उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं सर, उनको सर लंगूरिया गीत कहा जाता है। कहाँ है केला देवी? जी सर, केला देवी का मंदिर सर करौली में है सर, और ये जादौन राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है सर। जादौन? जी सर। जादौन कौन लोग हैं, कहाँ है ये वंश? सर करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी। यादव और जादौन एक ही है क्या? जी सर, सर जहां तक मुझे याद है सर, मुझे यही रिकॉर्ड हो सकता है सर यादव, सॉरी सर। अच्छा, सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। कहाँ है? जी सर, बाली सर, ये सहरिया जनजाति बाली के पाली से सर जालोर के आहोर तक सर विस्तृत है सर। और ग्रासिया? ग्रासिया सर आबू सर, ये उदयपुर में भी है सर, और सर आबू आबू तहसील के अंदर भी है सर, और पिंडवाड़ा तहसील के अंदर। अच्छा, बारा में कौन सी जनजाति है? जी सर, बारा के अंदर सहरिया जनजाति सर। और पाली में? पाली में भी सर सहरिया जनजाति। दोनों जगह सहरी है, कंफर्म हो? जी सर, जहां तक मैंने पढ़ा है सर, मुझे लगता है सर, और अध्ययन करूंगा सर। ओके, अच्छा आप बता सकते हो बारा का गठन कब हुआ? सॉरी सर, बारा का गठन। ठीक है जी, उपाध्यक्ष जी। नितेश जी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि आप किसी प्रेशर में बात कर रहे हैं। अगर मॉक इंटरव्यू में आप प्रेशर में रहेंगे, मॉक इंटरव्यू में अगर आप प्रेशर में रहेंगे, तो वहां RPSC में हमारे जैसे लोग बैठे मिलेंगे, उनके सामने आप ऐसे प्रेशराइज होकर बात करेंगे, देयर इज लो कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल लो लग रहा है, प्रेशर में बोल रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब तो आपने ठीक दिए, लेकिन आपने जिस संवर्ग में आप नौकरी में पाना चाहते हैं उस कैडर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जैन धर्म के बारे में आपको बहुत कम जानकारी है, सामान्य ऐतिहासिक ज्ञान में आप में कमी है, आविष्कारों का जो मूल जो चीजें हम प्रतिदिन काम में लेते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से आए। करंट समसामयिक भी आपका थोड़ा कमजोर है, जैसे रेल गलियारा स्वामीनाथन के बारे में पूछा गया, पहला पार्ट तो ठीक दिया, बाद में स्वामीनाथन आज क्या कर रहे हैं ये नहीं बता पाए। तो थोड़ी पॉजिटिविटी लाएं चेहरे के ऊपर, थोड़ा स्माइल लाएं, प्रेशर में नहीं बोलें। अब जैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, IQ EQ को आप पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए, उसमें भी आप बीच में कट कट के बोल रहे थे, प्लेटो के सद्गुण के बारे में आपका सही जवाब नहीं था, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बहुत आसान सवाल पूछा था कि दोनों में सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं, लांगुरिया किसका प्रतीक है, इसको तो आपको बहुत जरूरी है जानना, लांगुरिया गीत में लांगुरिया किसको किसका प्रतीक है, किसका किसके लिए लांगुरिया शब्द यूज किया गया है। तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप कई सवालों के मामले में, लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल आपका और बीइंग इन जनरल आपको तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, तो थोड़ी तैयारी करिए अभी से, आज से ही, ठीक है? जी सर। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक आध मौका और देना आप पूरी तैयारी के साथ, उसमें सवाल का जवाब आए या नहीं आए लेकिन आपके चेहरे पे लगना चाहिए कि आप आरएस बनने आए। एक सीट मेरी है, ये भावना आपके चेहरे पे होनी चाहिए, एक सीट तो मेरी है ही है, ये पॉजिटिविटी आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए, आपके बिहेवियर से, आपकी वाणी से नजर आनी चाहिए, ठीक है? ओवरऑल आपका ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। राजेश जी। जी जी नितेश जी, सर ने काफी हाईलाइट कर दी है आपकी जो कमियां थी है इस मॉक में, एक फिक्की का आप बता नहीं पाए, फिक्की का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई, स्वामीनाथन जी का बता ही दिया सर ने, रेल गलियारे का बता ही दिया, एक गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आगे इनकी जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में आप कन्फर्म नहीं थे, और गुजरात मॉडल और भारत चीन आर्थिक क्षेत्र में ये आपका संतुलित था उत्तर, और भी अपनी जानकारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, राजस्थान या भारत में जो मास्क है उसका प्रचलन कब हुआ, ये हालिया जो घटनाक्रम है उससे जोड़ के आपने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया है, बाकी और आपको ललित सर बताएंगे, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बढ़िया ओवरऑल नितेश जी, इस आज का आपका जो परफॉर्मेंस है वो उपाध्याय सर ने बताया, जो दो तीन कमियां अगर आप कंट्रोल कर लें तो पिछली बार से भी बेहतर है, बस ये जो मेरे जो पोर्शन रहे उसमें आपने एथिक्स के अच्छे आंसर थे, थोड़ा उसको और ऑल साइंस में देखिए अभी घटनाक्रम हो रहे हैं वो सारे आपके ध्यान में होने चाहिए, राज्यपाल मंत्री विवाद है, जैसे राष्ट्रपति वाला आंसर आपका अच्छा था, और ये विवादों में आप बंगाल में है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में है, तो इनके विवाद की विषय वस्तु क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जी सर। में आप कहीं कहीं अटक रहे हैं, ओवरऑल राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख सांस्कृतिक और जो ये जो तथ्य हैं ये सब ये आपको पता होने चाहिए। जी सर। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आपको अच्छा और तैयार करें। ओके सर, थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपको।